सो हे गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह के यूट्यूबर्स हो और खासकर अगर आप लोगों का यूट्यूब पर किसी भी तरह का फैट्स का चैनल है और अगर आप लोगों ने गलती से भी आज की वीडियो पर क्लिक किया है तो यार आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का यूट्यूब पर किसी भी तरह का फैट्स का चैनल है और जब भी आप लोगों का फैट्स चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप लोगों को यूट्यूब कितने व्यूज पर कितना पैसा देगा, मतलब आप लोगों को यूट्यूब कितने व्यूज का कितना डॉलर देगा, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को फैट चैनल पर 50,000 व्यूज का, 1,00,000 व्यूज का और 1,000 व्यूज का कितना डॉलर मिलता है, यही मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। मतलब आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को और नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि इस चैनल को छोड़कर यूट्यूब पर मेरा और भी सेकंड चैनल है और वो चैनल है मेरा फैट्स का, और उस चैनल का नाम है मास्टरमाइंड्स पंकज, जो आप लोगों को यहाँ पर साइड में देखने को मिल जा रहा होगा। तो गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि ये जो मेरा चैनल है वो फाइनली पहले से ही फुल्ली मोनेटाइज है, और इसके साथ ही साथ आप लोग ये जो चैनल देख रहे हो जिसका नाम है टेक फॉर पंकज, ये भी चैनल पहले से ही मोनेटाइज है। मतलब अपने दोनों चैनल से बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। बट आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि फैक्ट चैनल पर हमें कितने व्यूज का कितना डॉलर मिलता है, तो ये जानने के लिए आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि जितना बारीकी से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ उतना बारीकी से आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं समझाने वाला, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, इसके लिए मैं करूँगा कि यहाँ पर सिंपल सा अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। जैसे हमारे YT स्टूडियो को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा व्यू मोड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर शॉर्ट बाय पर क्लिक करके यहाँ पर मोस्ट वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल की जितनी मोस्ट वाले वीडियो है वो आप लोगों के सामने ओपन हो रही है। अब गाइस, जो जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा उसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से जरूर सुनना, वरना आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हो। अब गाइस, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, जो फर्स्ट नंबर की वीडियो है उस पर जो व्यूज है वो 1.5 लाख, मतलब 1,50,000। अब जो सेकेंड नंबर की वीडियो है वो है 72K, मतलब 72,000। अब जो थर्ड नंबर की वीडियो है वो भी 72K, मतलब यहाँ पर भी जो टोटल व्यूज आए हैं वो है 72K, मतलब 72,000। अब यहाँ पर जो फोर्थ नंबर की वीडियो है वो है शॉर्ट वीडियो, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि शॉर्ट वीडियो से हमें किसी भी तरह की अर्निंग नहीं होती, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब जो फिफ्थ नंबर की वीडियो है उसे आप लोग देख सकते हो, इस वीडियो पर 23K व्यूज आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को इन सभी वीडियोस की एक एक करके अर्निंग को दिखाने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ पर आप लोग एक चीज को नोटिस करना कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को ज्यादा व्यूज पर कम डॉलर देखने को मिलेंगे, और किसी वीडियो पर आप लोगों को कम व्यूज पर ज्यादा डॉलर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि हमें ज्यादा व्यूज के कम डॉलर क्यों मिले और कम व्यूज के हमें ज्यादा डॉलर क्यों मिले, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और गाइस, इससे आप लोगों को फायदा भी होगा कि जब भी आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप लोगों को कम व्यूज पर ज्यादा अर्निंग कैसे करना है, इसका आइडिया आप लोगों को अभी से मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। अब गाइस, जो फर्स्ट नंबर की वीडियो है उस पर जो व्यूज हैं वो हैं 1.5 लाख, इसका मतलब ये है कि हमारी इस वीडियो पर जो व्यूज हैं वो व्यूज हैं 1,50,000। गाइस, यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो हमारे चैनल के मोनेटाइज होने से पहले ही इस वीडियो पर 30K व्यूज कंप्लीट हो चुके थे, मतलब इस वीडियो पर 30K व्यूज का हमें कुछ भी अर्निंग नहीं हुआ है। तो हमें करना क्या है, 1,50,000 पर 30K को कम कर देना है, मतलब 30,000 को माइनस कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,20,000। तो इस वीडियो से हमें जो भी अर्निंग हुई है वो अर्निंग हुई है 1,20,000 व्यूज। यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपल से इस वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं। अब हम क्लिक करते हैं व्यू मोर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को 1.5 लाख व्यूज देखने को मिल जा रहा होगा, बट यहाँ से जो हमें अर्निंग हुई है वो अर्निंग हुई 1,20,000 व्यूज का। तो यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम चले जाते हैं रिवेन्यू वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1,20,000 व्यूज का जो हमें डॉलर मिला है वो डॉलर है 21.35 डॉलर। मतलब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, सिंपल सा कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम टाइप करते हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाई हमारा डॉलर कितना बना था, हमारा जो डॉलर बना था वो बना था 21.35। तो यहाँ पर हम सिंपल सा टाइप कर देंगे 21.35। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें इस वीडियो से 5,620 व्यूज का एक डॉलर देखने को मिल जा रहा है। मतलब आप लोग नोट करते रहना कि हमें कितने व्यूज का कितना डॉलर मिल रहा है, और बहुत सारे वीडियो आप लोगों को ऐसे भी दिखेंगे जिसमें आप लोगों को 1,500 से 2,000 व्यूज का एक डॉलर देखने को मिल जाएंगे, बट हमें ज्यादा व्यूज के कम डॉलर और कम व्यूज के ज्यादा डॉलर क्यों मिले, यही मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। बस आप लोग थोड़ा वेट करो। अब गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो सेकंड नंबर का वीडियो है उस पर जो व्यूज है वो है 72K। बट गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे चैनल का जो 4,000 आवर्स का वॉच टाइम
कंप्लीट हुआ था उसमें सबसे ज्यादा ये जो वीडियो है उसे से वॉच टाइम मेरा इंक्रीज हुआ था। मतलब ये जो मेरी वीडियो थी वो थी 15 मिनट्स की, और यही मेरी सबसे पहली ऐसी वीडियो है जो यूट्यूब पर वायरल हुई थी, और इसी वीडियो के थ्रू मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ था। बट गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, तब इस वीडियो पर भी 28 के व्यूज पहले से ही कंप्लीट हो चुके थे। मतलब जो टोटल व्यूज है वह है 72 के। तो यहाँ पर हम सिंपल से टाइप कर लेता हूँ 72 के, यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस करेंगे 28 के, मतलब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो 28 के मतलब 28,000। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो आंसर है 44,000। मतलब यहाँ पर हमें जो भी डॉलर मिले हैं वो डॉलर है 44,000 व्यूज के। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले हम उस वीडियो के अर्निंग को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ, अब हम चले जाते हैं रिवेन्यू वाले सेक्शन पर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो से हमें अर्निंग हुई है वो अर्निंग है 14.94 डॉलर, मतलब इसे आप लोग 15 डॉलर समझ सकते हो, बट मैं इसे डिवाइडेड करूंगा 14.94 डॉलर से ही। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा फिर से कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल सा टाइप करूंगा 44,000 डिवाइडेड बाई 14.94। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर 2,945 व्यूज का एक डॉलर देखने को मिल जा रहा है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को 1,500 व्यूज का आधा डॉलर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थर्ड नंबर की वीडियो की अर्निंग दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो थर्ड नंबर की वीडियो है उस पर जो व्यूज है वो है 72 के, मतलब 72,000। और गाइस यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस करना, आप लोगों को क्या चीज नोटिस करना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो की अर्निंग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं करूंगा क्या, सिंपल से इस वीडियो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे व्यू मोर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर हम चले जाते हैं रिवेन्यू वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 72 के व्यूज का जो डॉलर मिला है वह 20.32 के, मतलब यहाँ पर मैं सिंपल से फिर से कैलकुलेटर को ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे 72,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारी जो अर्निंग हुई थी वो था 20.32 डॉलर। तो 20.32 डॉलर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो से हमें 3543 व्यूज का एक डॉलर देखने को मिल जा रहा होगा। गाइस क्या आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया कि हमारा जो फर्स्ट नंबर का वीडियो था उस पर जो हमारे व्यूज थे वो था 150,000, बट वहाँ पर जो हमारी अर्निंग हुई थी वो अर्निंग हुई थी 120,000 का, और यहाँ पर जो थर्ड नंबर की वीडियो है उस पर जो व्यूज है वो 72 के। बट क्या आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया कि जो फर्स्ट नंबर की वीडियो थी उस पर हमें 120,000 व्यूज का 21 डॉलर मिले, और जो थर्ड नंबर की वीडियो है जिस पर सिर्फ और सिर्फ 72 के व्यूज है, मतलब इन दोनों के व्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब इसे पहले नंबर की वीडियो के मुकाबले इसमें आधा व्यूज ही आए हुए हैं। बट क्या आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया कि इन दोनों की जो अर्निंग है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हमें कम व्यूज का ज्यादा डॉलर क्यों मिला और ज्यादा व्यूज का कम डॉलर क्यों मिला, यहीं पर आप लोगों को पॉइंट को समझना है। बट उस पॉइंट को बताने से पहले मैं आप लोगों के और भी वीडियो करने को दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो फिफ्थ नंबर की वीडियो है उस पर जो व्यूज आए वो है 23 के। तो यहां पर मैं वीडियो पर क्लिक करूंगा, फिर से हम यहां पर क्लिक करेंगे व्यू मोर वाले ऑप्शन पर, और यहां पर हम चले जाते हैं रिवेन्यू वाले सेक्शन। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 23 के व्यूज पर हमें जो डॉलर मिला वो डॉलर है 11.59 डॉलर, मतलब यहां पर मैं सिंपल सा फिर से कैलकुलेटर को ओपन करूंगा। अब यहां पर हम टाइप करते हैं 23,000 डिवाइडेड बाय 11.59 डॉलर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर 1984 व्यूज का ही एक डॉलर देखने को मिल जा रहा है, मतलब सबसे कम व्यूज का यहाँ पर हमें एक डॉलर देखने को मिला है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि हमें कम व्यूज का ज्यादा डॉलर क्यों मिला और ज्यादा व्यूज का कम डॉलर क्यों मिला, बट उसे क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। गाइस सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी कोई वीडियो सर्चेबल टॉपिक पर है तो ये तो 100% चांस है कि आपकी उस वीडियो पर बाकी अदर्स वीडियो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपकी कोई वीडियो ऐसी है जिसे लोग सबसे ज्यादा सर्च करके देखते हैं तो उस वीडियो पर बाकी वीडियो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलेंगे जिससे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर आप लोग क्या समझे, अगर आपकी कोई भी वीडियो सर्च बार में सबसे ज्यादा चलती है तो आपकी बाकी अदर्स वीडियो के कंपैरिजन में उस वीडियो की बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर का ट्रिक्स तो ये है, और दूसरा ये कि अगर आपकी कोई भी वीडियो 8 मिनट से ऊपर की रहती है तो उस पर आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हो जिससे आप लोगों को कम व्यूज के ज्यादा डॉलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ ये बता देता हूँ कि हमें कम व्यूज के ज्यादा डॉलर क्यों मिले और ज्यादा व्यूज के कम डॉलर क्यों मिले। इसके लिए मैं करूंगा कि यहाँ पर सिंपल सा वाई स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल सा व्यू मोर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फिर से हम चले जाते हैं मोस्ट वाले वीडियो पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर की वीडियो है उस पर जो व्यूज हैं वह है 150,000, और वहीं पर जो सांप वाली वीडियो है उस पर जो व्यूज आए हैं वह है 72 के। इन दोनों वीडियो के व्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट इन दोनों की जो अर्निंग हुई है वो लगभग सेम है। तो मैं आप लोगों को यही बताता हूँ
कम व्यूज के ज्यादा डॉलर और ज्यादा व्यूज के कम डॉलर क्यों मिले। यहाँ पर मैं सिंपल से वीडियो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ व्यू मोड वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हम चले जाते हैं रीच वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो से सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो है सर्चेबल टॉपिक से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो सर्चेबल टॉपिक है उस पर जो व्यूज है सिर्फ और सिर्फ 32.4%। अब यहीं पर मैं आप लोगों को सांप वाली वीडियो को ओपन करूँ तो सांप वाली वीडियो को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम व्यू मोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रीच वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो से सबसे ज्यादा व्यूज आप लोगों को देखने को मिला YouTube सर्च से जो है 95%। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सर्चेबल टॉपिक से हमें बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग देखने को मिल जाती है कंपैरिजन टू ब्राउज फीचर्स। तो यही दो रीजन है जिसे हमें कम व्यूज के ज्यादा डॉलर मिले हैं और ज्यादा व्यूज के कम डॉलर देखने को मिल गए हैं। सो गाइस आई होप कि आज वीडियो आप लोगों को पूरी तरीके से बहुत ही बारीकी से समझ में आ गई होगी। और गाइस यहाँ पर एक खुशखबरी की बात तो यह है कि हमारा जो सेकंड फैक्ट चैनल है जिसका नाम है मास्टरमाइंड पंकज, उस चैनल की अर्निंग आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। मतलब हमारा फर्स्ट पेमेंट बहुत ही जल्द आने वाली है और हो सके तो आप लोगों को इसी मंथ में या फिर आने वाले नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को इस चैनल की फर्स्ट पेमेंट देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आप लोग चाहते हो अपने भाई को कांग्रेचुलेशंस बोल के विश कर सकते हो और गाइस आप लोग चाहते हो मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हो, चाहते हो मेरे सेकंड चैनल को जितना ज्यादा ज्यादा हो सके शेयर करो ताकि मेरे जो $100 है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए। और हम बहुत ही ज्यादा करीब है $100 के और आप लोगों को बहुत जल्द हमारा पेमेंट देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कि मेरे फैक्ट चैनल पर मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना मिला और कितने दिन में मिला और टोटल कितने व्यूज पर मिला, अगर आप लोग इस टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अगर आप लोगों का यूट्यूब पर किसी भी तरह का फैक्ट का चैनल है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना। अगर आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करते हो तो आपके फैक्ट चैनल को ग्रो करने में कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोग चाहो तो सिर्फ और सिर्फ 10-15 डेज में ही अपने फैक्ट चैनल को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।